हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। आई होप आप भी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त होम मेड लिप बाम जो शेयर करने जा रही हूँ, और ये बहुत ही सिंपल और आसान चीज़ों से बनता है जो कि हर वक्त हमारे घर में मौजूद होती हैं। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए होगी वो है पेट्रोलियम वैसलीन जेली। वैसलीन जो है ये हमारे लिप्स को बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्चराइज करती है। इसके अलावा हमें चाहिए कोकोनट ऑयल। ये आप किसी भी ब्रांड का जो है वो कोकोनट ऑयल ले लें। कोकोनट ऑयल के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो फैटी एसिड होता है, और इसके अंदर SPF 3 होता है जो कि हमारे लिप्स में बैरियर पैदा करता है और मॉइस्चराइज को लॉक करता है। तो यहाँ पर आप कोई भी घर में कोई बॉटल ले लें जो कि आपके पास खाली हुई हो, बाम की या कोई मेकअप की कोई भी आपके पास बॉटल हो, तो उसको आप वॉश करके अपने पास रख लें। और एक लिपस्टिक आप ले लें, कोई भी कलर, अगर रेड आप चाहते हैं रेड ले लें। मेरे पास यहाँ पे पिंक कलर था जो कि ख़राब बच्चों ने कर दी थी, तो मैंने कहा मैं यूज़ कर लेती हूँ। अगर आप ये लिपस्टिक यूज़ नहीं करना चाहते तो आप कोई फूड कलर के 2-3 ड्रॉप्स ले लें, रेड कलर जो होता है। अगर आप वो भी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप चुकंदर का जो थोड़ा सा जूस है वो आप ले लें 1 चम्मच के करीब, और वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो खैर, यहाँ पर मैंने ले लिया है तकरीबन 1/2 चम्मच के करीब वैसलीन, और वैसलीन को मैं यहाँ पर जो है वो एक कटोरी आप ले लें या बॉल ले लें, जो भी आप ले लें, उसके अंदर ऐड कर लें। और यहाँ पर मुझे चाहिए कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है ये बहुत फ़ायदेमंद होता है स्किन के लिए और हेयर के लिए। इसके अंदर जो है वो विटामिन ई होता है वफर मकदार में। तो यहाँ पर मैं 1.5 जो टेबल स्पून है वो मैं ऐड कर लूँगी, और मैं इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लूँगी। और लिपस्टिक का जो थोड़ा सा हिस्सा है ऊपर से, कोई भी आप नाइफ से या मैं तो चम्मच से ही यूज़ कर लूँगी, तो आप थोड़ा सा इसको ऊपर से कट कर लें और इसके अंदर आपने डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपको पता है जैसे कि मौसम चेंज हुआ है, तो मौसम के चेंज होने से ही हमारे लिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई, रफ़ और चैप लिप्स जो है वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। और कई लोगों के लिप्स जो हैं वो इतने ज़्यादा ड्राई होते हैं कि वो फटना शुरू हो जाते हैं और ज़ख्मी हुए होते हैं, और इवन के ब्लड आ रहा होता है इसमें से। तो ये बहुत ही आसान जो है वो मॉइस्चराइज़र है, आप घर में जो है वो आसानी से आप बना सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से यहाँ पर कर लेंगे मिक्स। अगर आप चाहें तो इसको आप 15 से 20 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव में भी आप इसको गर्म करके इसको मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा भी माइक्रोवेव की प्रॉपर जगह नहीं बनी, तो यहाँ पर मैंने पानी को गर्म कर लिया था और इसको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इस तरह से इसको गर्म पानी में जो है वो कटोरी को ऊपर रख के, और इसको मैंने 15 से 20 दफ़ा जो है वो मतलब इसको स्टीम में जो है वो मेल्ट कर लिया था 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये इस तरह से कुछ फॉर्म में आ गया था, और आप कोशिश करिएगा कि पानी इसके अंदर ना जाए। अगर आप चाहें तो आप इसको स्टीम कोई जाली रख के उसके ऊपर भी कटोरी रख सकते हैं। तो खैर, ये अच्छी तरह से जो वो तैयार हो गया है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी इस छोटी सी बॉटल के अंदर, और इसके बाद जो है वो 1 घंटे के लिए मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, वो लिप बाम बन के रेडी होता है और नेचुरल लुक देता है। तो आप कोई भी रेड कलर या कोई भी ब्राउन कलर जो भी आपको अच्छा लगता है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट नेचुरल लुक चाहती हूँ, तो इस वजह से मैंने ये जो बाम में ऐड किया था कलर। तो मैंने तकरीबन 1/2 घंटे के बाद ही जो है वो निकाल लिया था, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, मैंने सोना था, और मैंने वीडियो आपको दिखाने के लिए जस्ट जो है वो ट्राई किया था। तो आप इसको देखें, हल्का सा अभी थोड़ा सा ये है, तो ये आप देखें कितना सॉफ्ट और नेचुरल लुक जो है वो देगा जब आप इसको यूज़ करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी जो है वो लिप बाम जो है वो बनके रेडी हुई होगी। आई होप आपको मेरी ये आज की जो लिप बाम की जो रेमेडी है वो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।